हेलो स्टूडेंट्स, सो आज से जो आपको बताया कि केमिस्ट्री के आपके चैप्टर्स जो हैं मैं शुरू करने चाह रहा हूं, और आप देख सकते हो कि मेरे पास अभी यूनिट टू सॉल्यूशंस हैं। एक्चुअली यूनिट टू सॉल्यूशन जो 2020 से पहले पहले हम लोग इसको यूनिट टू बोल रहे थे। क्यों यूनिट टू बोल रहे थे बेटा? क्योंकि उससे पहले एक चैप्टर था सॉलिड स्टेट, बट अभी पंजाब बोर्ड और सीबीएसई के अंदर ये दोनों बोर्ड्स के अंदर ये चैप्टर जो सॉलिड स्टेट है इसको कटवा दिया गया है। अब यूनिट टू जो सॉल्यूशन है बेसिकली वो यूनिट वन बन गया है हमारे पास, और मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूनिट टू सॉल्यूशन की इंट्रोडक्शन से। सो आप देख सकते हो अभी मेरे पास जो नोट्स अवेलेबल है हमारे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखी हैं, बट इन डेफिनेशंस की अभी बात तो नहीं करेंगे हम लोग। इसमें स्टार्ट करेंगे जो फर्स्ट टॉपिक है, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें फर्स्ट चैप्टर है, मैं वहां से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, विच इज फ्रॉम द व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन में बेसिकली दो या दो से ज्यादा होमोजीनियस चीजों का मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस होते हैं हुज कंपोजिशन कैन बी वेरिड। मतलब जैसे हम मान लेते हैं कि सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट क्या होता है? जो कम मात्रा में डाला जाता है, जिसकी कंसंट्रेशन लो हो, और सॉल्वेंट क्या होता है? जो ज्यादा मात्रा में डाला जाता है, मतलब जिसकी कंसंट्रेशन हमारे पास ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप वाटर के अंदर शुगर को डिसॉल्व करते हैं, तो जो वाटर है दैट इज द सॉल्वेंट, और जो शुगर है दैट इज योर सॉल्यूट, क्योंकि आपने सॉल्यूट उसमें शुगर जो है वन और टू स्पून डाला है, और आपने जो वाटर है वो एक ग्लास वाटर लिया है आपने। तो हियर द सॉल्यूशन विल फॉर्म, दिस सॉल्यूशन विल बी अ होमोजीनियस सॉल्यूशन। व्हाई दिस इज होमोजीनियस? क्योंकि आपको पता है कि आप जब पानी का टेस्ट करेंगे, आप शुगर को अच्छे से डिसॉल्व कर दो, और डिसॉल्व करने के बाद जब आप उसको टेस्ट करेंगे, तो आप चाहे ऊपर से टेस्ट करें, चाहे वो आप उसको दूसरे ग्लास में निकाल के नीचे थोड़ा सा बचा जो सॉल्यूशन होगा आप उसको टेस्ट करेंगे, तो आपको एक जैसी मिठास फील होगी। सो सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब उसकी मिठास हर जगह से, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो होगी सॉल्यूट की हर जगह पे सेम होगी। टू और मोर सब्सटेंसेस डाले जा सकते हैं, मैं अभी दो ही सब्सटेंसेस की बात कर रहा हूं, वन इज द सॉल्यूट अदर इज द सॉल्वेंट, और जिनकी कंपोजिशन कैन बी वेरिड। आप पानी बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, सॉल्यूट बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो विद इन सर्टेन लिमिट्स के अंदर। सो व्हाट इज होमोजीनियस मीन? होमोजीनियस मिक्सचर हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज हर जगह क्या होती है, कंपोजिशन क्या होती है, थ्रू आउट सेम होती है। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन? आपको पता है कि मैंने बताया कि द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी टू थ्री फोर और मेनी। तो कंपोनेंट्स मतलब जो उसके अंदर आपने मिक्सचर बनाया है वो दो या दो से ज्यादा चीजों का बन सकता है। सो पहले बात करेंगे जिसमें दो कंपोनेंट्स डाले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द बाइनरी सॉल्यूशन। टू कंपोनेंट, वन इज द सॉल्यूट अदर इज द सॉल्वेंट आर प्रेजेंट। एंड टर्नरी सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास थ्री कंपोनेंट्स होंगे, और क्वार्टरनरी के अंदर हमारे पास फोर कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट आगे तो सॉल्यूशन, सॉल्यूट में आपको बताया था कंपोनेंट विच इज लेसर इन क्वांटिटी, जो लो क्वांटिटी में होता है दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूट, और जो सॉल्वेंट है कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इन द सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा मात्रा में डाला जाता है। नाउ व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन? एक्वस मींस वाटर। तो एक्वस सॉल्यूशन क्या है? द सॉल्यूशन इन विच द वाटर इज द सॉल्वेंट, जिसके अंदर वाटर सॉल्वेंट है दैट इज कॉल्ड द एक्वस सॉल्यूशन। और व्हाट इज नॉन एक्वस? द इन विच द सॉल्वेंट अदर देन वाटर आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे मान लेते हैं कि कई बार सॉल्वेंट हम बेंजीन यूज करते हैं, इथर यूज करते हैं, सो दीज आर द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स बेसिकली, सो दे आर नॉन एक्वस। मतलब वाटर के अलावा जो भी हमारे पास सॉल्वेंट यूज होते हैं दैट आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, अब मैं बात करूंगा उसकी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन के अंदर जो आपने सॉल्यूट डाला है वो कितनी मात्रा में डाला है। तो जितनी मात्रा में भी सॉल्यूट होगा दैट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो इट मे बी नो डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की गिवन क्वांटिटी के अंदर आपके पास सॉल्यूट कितनी मात्रा में प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है? आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? सो मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। आपको पता है कि आपने बिस्किट खाए होंगे या आपने कोल्ड ड्रिंक पिया होगा, तो आपने देखा है बिस्किट के ऊपर लिखा होता है कि फैट्स कितना प्रेजेंट है, उसके अंदर प्रोटीन्स कितना है, क्लोरेस्ट्रॉल कितना है उसके अंदर, तो ये सारी चीजें मेंशन की होती है, और वहां पे एक लाइन में लिखा होता है ऑल कंटेंट्स आर प्रेजेंट एट 100 ग्राम। तो 100 ग्राम हमारे पास एक स्टैंडर्ड हो गया कि हमारे पास जो पूरा कंटेंट है वो 100 ग्राम का है,
और अगर आप 100 ग्राम बिस्किट खाते हैं तो यू विल गेट द 20 ग्राम फैट, आपको उसमें 20 ग्राम फैट मिलता है. सो व्हाट विल द परसेंटेज ऑफ दैट फैट इन बिस्किट ऑफ 100 ग्राम, तो वो कैसे निकालेंगे आप? तो वेट ऑफ द सोल्यूट आप ऊपर रख देंगे और वेट ऑफ द सोल्यूशन आप नीचे रख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो मास परसेंटेज निकल जाएगी. मतलब अगर किसी सोल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, आपने पहले कंपोनेंट की मास परसेंटेज निकालनी है, तो आप क्या करोगे, वेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ओवर वेट ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे. सिमिलरली अगर वॉल्यूम परसेंटेज के फॉर्म में चाहिए तो आप ऊपर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट लिख देंगे, नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिख देंगे इनटू 100. दिस परसेंटेज इज सेम एज लाइक यू हैव टू सॉल्व, यू नो, कैलकुलेट योर परसेंटेज मार्क्स, आपको परसेंटेज मार्क्स निकालने हैं, तो आप क्या करते हैं, योर परसेंटेज मार्क्स will be equal to the marks obtained, that is वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा और टोटल मार्क्स नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, सो दैट यू विल गेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स. सो हियर द मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज इज अ मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. नाउ इसके अंदर बेटा एक और आता है ppm, ppm पार्ट्स पर मिलियन. पार्ट्स पर मिलियन में क्या होता है कि सम टाइम द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी लेसर क्वांटिटी, उसमें ट्रेसेस में सॉल्यूट बहुत कम मात्रा में डाला उसमें पाया जाता है. सो इन दैट केस यू कैनॉट इजिली कैलकुलेट दी अमाउंट इन मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज, इन दैट केस यू कैलकुलेट इन ppm. तो इन दैट केस द फॉर्मूला विल बी द वेट ऑफ द सॉल्यूट ओवर वेट ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10^6 मींस 1 million. सो दैट इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन. सो नाउ द नेक्स्ट इज मोलैलिटी. These are also method to calculate the concentration. So molality, molarity, normality, formality. These are the another methods. So molality is what? Molality, जिसमें आपके पास molality L. So here the molality, this is R. So molality is what? Molality is represented by small m. इसको small m से represent करते हैं. और this is equal to mole of the solute. Solute की कितनी moles है? Over the weight of the solvent in kg, आप kg में कर सकते हैं, अगर आप ग्राम में लिखते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो दिस इज दी ऑल अबाउट द डेफिनेशन. कैसे लिखेंगे, मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन kg, या 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट में कितनी मात्रा में सॉल्यूट घोला गया है, दैट इज कॉल्ड द मोलैलिटी. इन सिमिलर वे मोलैरिटी, मोलैरिटी इज बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. सो हियर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो ऊपर क्या आएगा आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. तो यहां पे वेट ऑफ द सॉल्वेंट होता है इन केस ऑफ मोलैलिटी, और यहां पे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन होता है इन लीटर. और अगर यहां पे मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब दिया है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 1000. तो यहां पे एक चीज बताना चाहूंगा, इन केस ऑफ मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, दिस इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट. व्हाट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स कैसे निकालते हैं, ये आपने प्लस वन में बेटा पढ़ा होगा, मोलैलिटी मोलैरिटीज पढ़े आपने. मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है गिवन मास ओवर जो भी सॉल्यूट है उसका गिवन मास जो क्वेश्चन के अंदर दिया है ओवर इट्स मॉलिक्यूलर मास. तो मॉलिक्यूलर मास यू हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूट. जो भी शुगर डाला गया है तो आप शुगर का निकाल दीजिए, ग्लूकोज डाला गया तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए. इन सिमिलर वे जो भी सॉल्यूट डाला गया यू कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम इट्स फॉर्मूला. सो दिस इज द मोलैलिटी एंड मोलैरिटी. बताना चाहूंगा मोलैलिटी जो है दैट इज द वेट डिपेंडिंग अपॉन द वेट ऑफ द सॉल्वेंट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम. तो यहां पे वॉल्यूम नहीं आया. सो इन केस ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है, सो देर विल बी नो इफेक्ट ऑन द मोलैलिटी. सो मोलैलिटी इज द राइट वे टू कैलकुलेट द दिस कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, बिकॉज इन केस ऑफ मोलैलिटी इट डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सो इफ टेम्परेचर चेंजेस द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस ड्यू टू विच मोलैलिटी विल चेंज. Also, I want to tell you about SI units over here. So, here the moles of the unit in kg. So, it will be the unit will be the mole per kg. So, this will be mole per kg. And here the mole per liter. So, these are the units of basically molarity and molarity. So, molarity jo hai, that is represented by small m and molality is represented by capital M. So, beta, this is today's lecture. Jo main bahut thoda karwa raha hun because this is the just starting of your, you know, 12th class. तो मैं बताना चाहूंगा, आज हमने सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में पढ़ा. एक बार ब्रीफ दे देता हूं कि हमने सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी है, देन इट्स टाइप्स हमने डिस्कस की है, टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट, जिसमें बाइनरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी बताया गया है. तो मैं उसके बाद तुम्हें बताया सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, दैट इज इन बाइनरी सॉल्यूशन. देन हमने उसके बाद डिस्कस किया है द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. तो कंसंट्रेशन में मैंने बताया कि आपको मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. देन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी हमने डिस्कस किया. कल मैं इससे आगे आपको बताऊंगा कि वी कैन ऑल्सो क्लासिफाई द सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज द लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस.
तो उनके बेसिस पे मैं आपको 9 टाइप्स डिस्कस करूंगा जो सॉल्यूशन के टाइप्स होंगे, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे और साथ में आगे के टॉपिक हम लोग नॉर्मलिटी वगैरह करेंगे और इसके बाद मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। सो थैंक यू सो मच।